दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मोतीचूर जैसी दानेदार बिना बूंदी पाड़े बनाने वाले लड्डू की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए है चना दाल। चना दाल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा था। इसका पूरा पानी मैंने अब निकाल दिया है, और कुछ ज़्यादा अगर पानी हाथ पर गीला लग रहा है इसीलिए मैंने इसे स्ट्रेन कर दिया है, छन्नी में 5 से 10 मिनट तक रख दिया है। इसे अब मैं एक मिक्सी जार लेकर उसमें डालूंगी, और हम जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं उसका हम जैसे पीस कर आटा बनाते हैं, वैसे ही हम इसे मिक्सी में डालकर उसे पीस कर लेंगे। और इसे पीसते समय हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हम जो दाल है उसे ही डायरेक्ट पीसेंगे। देखिए, मैंने पीस ली है। पीसने के बाद भी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नमक सोडा किसी का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे इसमें अब पकोड़े डालेंगे। इसी तरह से हम पूरे जितना तेल में पकोड़े बैठ सकते हैं एक साथ में, उतने पकोड़े मैं इसमें डाल देती हूँ। एक साथ में लगभग मेरे आधे जो दाल मैंने पीसी है उस आधे दाल के सारे पकोड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इसे हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो पकोड़े का रंग है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, हमें लाइट ही रखना है। तो गैस का फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर दिया है। अब हमें इसे चम्मच से हिलाते रहना है। देखिए, आप इसका रंग देखोगे तो बहुत ही लाइट कलर है, और मीडियम फ्लेम पर होने से ये अंदर से भी अच्छी तरह से पूरी तैयार हो जाएंगे। ये अब अच्छी तरह से पूरे सिक चुके हैं, तो मैं इसे अब निकाल देती हूँ। देखिए, इसका रंग आप देख रहे हो, इतना ही रंग रखना है। अब जो बचा हुआ हो चने का आटा है वो भी मैं उसके पकोड़े यहाँ पर बना रही हूँ। ऐसे ही हमें सेम छोटे छोटे पकोड़े इसमें डालने हैं। इस तरह से बनाई हुई जो हम लड्डू है वो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, और इसे बनाने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और बूंदी भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब पकौड़े पूरे बन चुके हैं। इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें भी हमें अब कुछ ऐड नहीं करना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने एक कटोरी चना दाल ली थी, तो उसी कटोरी के नाप से मैंने शक्कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जो कटोरी मैंने शक्कर ली है उससे थोड़ा कम पानी मैंने यहाँ पर डाला है, और इसकी हमें चाशनी बनानी है। लगातार हम इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। अब शक्कर जब पिघल जाएगा
हमें इसी तरह से इसे अच्छे से हिलाते रहना है। और जब हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, या आप इसे एक तार जैसे हम करते हैं उस लगभग उस तरह अगर हो जाएगी, तब ये हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार है लड्डू बनाने के लिए। सात से आठ मिनट में चाशनी पूरी रेडी हो जाती है और मैंने फ्लेम भी मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। तो देखिए अब अच्छे से उबलने लगी है। इसमें मैं अब थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, आप चाहो तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हो, मेरे पास रेड कलर है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोमेटो कलर था तो वो कलर मैंने ऐड किया है। चाशनी बहुत अच्छे से अब उबल रही है और ये थोड़ी अब गाढ़ी भी होने लगी है। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। देखिए अभी और ये थोड़ी पतली है तो और थोड़ा हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। इसमें मैं सीड डाल रही हूँ मास्कमेलन के, जिसे हम खरबूजे के सीड कहते हैं। खरबूजे के जो बीज होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। अभी लगभग हमारी चाशनी रेडी हो गई है और मैंने इसमें थोड़ा सा कलर कम लग रहा था इसीलिए मैं थोड़ा कलर इसमें मैंने ऐड किया है। देखिए अच्छे से अब चाशनी गाढ़ी हो गई है, कलर भी अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें चना दाल हमने जो पीसी है उसे ऐड कर देते हैं। मैंने आधी दाल अभी डाल दी है, इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अब मैं बची हुई दाल भी इसमें, पीसी हुई दाल इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। हमें ध्यान रखना है कि जब हम दाल ऐड करेंगे तो गैस फ्लेम जो है पूरा लो रहना चाहिए। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट तक इसे गैस पर ही चालू रखेंगे। देखिए अब पूरा मिश्रण कैसे ड्राई होने लगा है। इसे मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है ये मिश्रण, तो मैं इससे अब मैं लड्डू बना रही हूँ। और लड्डू बनाते समय हमें ध्यान रखना है, हमें हाथ से ज़्यादा इसे दबाना नहीं है, हमें बहुत ही हल्के हल्के से ही इसके लड्डू बनाने हैं। गणेश जी के लिए हम पूजा में इसे लड्डू रखते हैं, तो इस तरह से आप बनाइए और ज़रूर भगवान के लिए चढ़ा सकते हो। या बच्चों को खाने में मीठा पसंद है तो आप इस तरह से लड्डू बना के रख सकते हो। ऐसे बनाए हुए लड्डू आप एक हफ्ते तक भी आराम से इसे रख सकते हो या फ्रिज में स्टोर करके भी आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये रेसिपी? पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई नई रेसिपी अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि वो रेसिपी मैं अपने चैनल में ऐड कर सकूँ। थैंक यू।